रेलवे की विंडो रिजर्वेशन के लिए अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खंडवा के केवलराम पर स्थित सकलेचा स्टेशनरी के सामने खंडवा रेलवे रिजर्वेशन सेंटर खुला है। यहां पर आकर आप विंडो रिजर्वेशन की सेवाएं ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मौके पर जाकर दुकान पर जाकर टिकट भी बनवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के केवलराम पर डीपी में आग लग गई थी। डीपी के नीचे एक चर्मकार बैठता था सतीश कटारे, उसकी पूरी गुमठी भी इस आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई, उसकी रोजी रोटी चली गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आज 5500 रुपए की मदद सतीश कटारे को की गई और आगे भी उसकी और मदद करने का आश्वासन सभी ने दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अनूप पटेल, रवि खटवानी सहित उनकी पूरी टीम ने इस चर्मकार सतीश कटारे की मदद की और कहा कि वह उसकी दुख की घड़ी में साथ हैं, आगे भी और व्यापारियों से और संगठनों से उसकी मदद कराएंगे ताकि एक बार वह दोबारा उठकर खड़ा हो और अपनी आजीविका अर्जित करता रहे और कर सके। मेरा सभी खंडवा वासियों से निवेदन है, हमारे युवा मोर्चा के बाद आप सब लोग भी जो सहयोग हो सके वो हमारे इस भाई की सहयोग करें। पता चला कि मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बोला इनकी 4 से 5 बच्चियां हैं, तो मैंने वैसे ही रवि भैया को फोन लगाया, हमारे सब कोषाध्यक्ष रवि कटवानी जी, कि भैया आपको मदद करना है, अब कैसे करना है देखो, जो भी मदद बनी तो युवा मोर्चा के पूरे मिल के और सारे शहर वाले जो भी देखेंगे कि नुकसान हुआ है, अगर हम 100-100, 500-500, 1000-1000 भी दे सकें तो किसी गरीब की मदद हो जाएगी, उनका घर चल पाएगा। 4-4 बच्चियाँ हैं, एक जूता सिलने में 15 रुपये मिलते लेकिन आधा घंटा लगता है, एक पॉलिश को कम से कम आधा घंटा लगता है। इसमें भी लो 12 रुपये ले लो, 10 रुपये ले लो, आधे तरफ से आपकी स्थिति 5-5.5 हज़ार रुपये सहायता आगे और भी करने की बोले इन्होंने, और मेरा नगद का तो 5 हज़ार रुपये झलक रखी थी उसमें, वो भी भाग हो गई, और 40-50 हज़ार रुपये का माल था मेरा, मैं डाम अटेल भी बेचता था। क्या नाम है? सतीश कटारे जी। भैया बताइए, इस आज के इस दुखद घटनाक्रम के पश्चात का सबसे सुखद पहलू ये रहा कि आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के इतिहास में बरत 2 बजे घटनाक्रम हुआ है और लगभग 3 बजे तक ये अग्निकांड चलता रहा, 1 घंटे तक ये अग्निकांड हुआ। माननीय सांसद जी को इस वक्त जब सूचना मिली, वो दिल्ली संसदीय बोर्ड की बैठक में व्यस्त थे, उसी दौरान उन्होंने मुझसे मोबाइल पर बात करी। बात करने के पश्चात बोला, छोटू भाई घबराना नहीं, मैं हूँ आपके साथ में, और उसके पश्चात उन्होंने जो दिशा निर्देश मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को दिए हैं उसी का ये परिणाम है कि शाम के ठीक 6 बजे ये ट्रांसफार्मर बदला गया, डीपी चेंज होकर के वो लाइट विद्युत व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से जारी कर दी, और इसके लिए हम माननीय सांसद ज्ञानेश्वर जी पाटिल के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मनोहर अग्रवाल, डिग्री लाल प्रतिष्ठा।